हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां पर विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की गई है। राज्य सरकार के खिलाफ में आक्रोश भी व्यक्त किया है। बता दें कि पिछले दिनों सड़कों में हुई गड्ढों की वजह से शिक्षक की मौत के लिए पीडब्ल्यू समेत प्रशासन और सरकार को विधायक ने जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में बिजली पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाए हैं कि सरकार गड्ढों सड़कों के गड्ढे भरने में नाकाम साबित हुई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज इतना दुख दर्द का विषय है, परिवारों के चिराग मिट गए गड्ढों की वजह से। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है इस पूरे प्रदेश की जो सड़कों की बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार ये झूठा नारा देने वाली डबलिंजन सरकार है। सोचिए दर्द उन माँ बाप का जिनसे हम मिलके आए, जिनके जवान बच्चे, सोचिए उस पति का दर्द जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और एक महीने बाद उस गम में उसकी भी मृत्यु हो गई। ये सरकार एक खूनी सरकार बन चुकी है और अर्थव्यवस्था को डुबो दिया, रोजगार को डुबो दिया, अग्निवीर बना दिए। वीआईपी कौन था आज तक नहीं पता लगा, हाकम सिंह के हाकिम कौन है ये नहीं बताती, और कहती है सबका